इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट कोर्सेज. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Hi everyone, welcome back to our channel. Myself Nisha. जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट मोर. इसी टॉपिक पर एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक. और आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. उस टॉपिक का नाम है नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको स्टूडेंट NIT के नाम से भी जानते हैं. बेसिकली नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है. इसके बारे में मैं आपको दूंगी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोर्सेज अवेलेबल कौन से हैं यहाँ पे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फैसिलिटीज कौन सी है, प्लेसमेंट्स क्या है. एंड IBM विल ऑल्सो गिव अ रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स टू दिस इंस्टीट्यूशन. तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखें. एंड इन केस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ. अगर हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से चालू करें तो जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बता दिया है, नागपुर में लोकेटेड है. नागपुर महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूशन है. AICTE अप्रूव्ड है, एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2008. वहीं अगर हम इसके एफिलिएशन की बात करें तो इसको RTNU के थ्रू, नागपुर के जो है इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, उसके थ्रू मिला हुआ है एफिलिएशन. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और नाग के थ्रू भी इसको अफिलिएशन मिला हुआ है. अब हम स्टार्ट करते हैं कोर्सेज के बारे में जाना. जो मेन कोर्स ये आपको ऑफर करता है, इंजीनियरिंग का कोर्स आपको ऑफर करता है, वो है BE, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग. अगर हम इसके स्ट्रीम्स की बात करें तो 5 स्ट्रीम्स में आपको BE आप पढ़ाई कर सकते हैं. स्ट्रीम्स के अगर हम नाम की बात करें तो वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग. तो ये मेन कोर्स ही आपको ऑफर करता है, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में ऑफर करता है. अगर हम इसके एग्जामिनेशन में मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 2 एग्जाम ही एक्सेप्ट करता है. JEE मेंस एंड महाराष्ट्र CET का एग्जामिनेशन दोनों ही आप दे सकते हैं. उसके स्कोर के बेसिस पे, उसके रैंक के बेसिस पे आपको यहाँ पर मिल सकता है एडमिशन. वहीं आपका जब BE की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका देखना चाहिए 10+2, यानी आपने कितना अच्छा स्कोर किया है अपने 10+2 में. 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस, कि आपने इतना स्कोर किया है, उससे ज़्यादा किया है तो आप एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी, इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए. तो ये तो हुई कोर्सेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. नाउ हम बात कर लेते हैं कि यार एडमिशन अगर लेना है तो क्या पॉसिबिलिटीज होती है. तो मैं बता दूं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लेवल सीट्स अवेलेबल होती हैं. स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, दैट इज द रीजन दे फॉल इनटू अ बैड सिचुएशन, जहाँ पे उनको नहीं पता होता है और फिर वो एडमिशन नहीं ले पाते. तो मैंने आपको इनिशियली बता दिया है, देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लेवल सीट्स हैं, कैसे आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं एडमिशन रिलेटेड. अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है, आप जानना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं उसका आंसर, तो आप उसके लिए हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. WhatsApp नंबर पे कॉल मैसेज करके आप बात कर सकते हैं. एंड डायरेक्टली हम बात करेंगे हमारे काउंसलर से, वो आपको गाइड कर देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड. सो ये तो थी एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. वेयर इफ आई हैव सर्च अ लॉट अबाउट प्लेसमेंट थिंग्स इन द ऑफिशियल वेबसाइट, हमने देखा है कि ऑफिशियल वेबसाइट में तो उनमें हाँ भी है इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट्स का, यू नो, पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाया है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं. बट अगर हम डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कुछ खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके वेबसाइट पे नहीं मिली है. क्लेम की बात करें तो उन्हें सिर्फ ये सब बताया कि देखो 16-17 में हमारे इतने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, 17-18 में इतने हुए हैं, 19-20 में इतने हुए हैं. बट जितने भी हुए हैं यार, प्लेसमेंट कितना मिला है वो बताना इंपॉर्टेंट था और वो इनने नहीं बताया. प्लेसमेंट का पैकेज कितना दिया है वो भी कहीं पे इन लोगों ने क्लेम नहीं किया है. बट फॉर यू गाइज हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन सर्च करी, रिसर्च करी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमको बताया, जो फीडबैक फॉर्म स्टूडेंट्स भरते हैं उसके थ्रू हमको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली हुई है स्टूडेंट्स के माध्यम से. एंड अगर हम उसकी बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया 5 से 6 लाख 7 लाख तक का पैकेजेस आ रहे हैं हमारे कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में. एंड स्टूडेंट्स रिक्रूट भी हो चुके हैं, हो रहे हैं. वहीं अगर मिनिमम पैकेज की बात करें तो यार 1-2 लाख का पैकेज आ ही जाता है, 2 से 3 लाख का पैकेज भी आ ही जाता है. एंड स्टूडेंट्स रिक्रूट हो रहे हैं. BE जैसे अगर आप यहाँ से डिग्री लेते हैं, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करते हैं, तो आपको ये सारे पैकेजेस के ऑफर मिल सकते हैं. लेकिन कंपनीज की बात करें तो अगेन इन्हें कंपनीज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है. अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें कि यहाँ पे कंपनीज कौन सी मिल जाती हैं, तो देयर सम ऑफ द कंपनीज जिन्हें रिक्रूटमेंट के लिए अभी तक आई हैं वो हैं कॉमर्ज़िन, डायरेक्टली, जेनपैक्ट, IBM, इन्फोसिस, अशोक लेलैंड, एक्सेंचर, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा कंसल्टेंसीज, TCS जैसी कंपनीज आई है, टाटा टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCLBI है, इंडियन नेवी आई हुई है, L&T, इंफोटेक, रिलायंस एंड इन्फोसेप्स जैसी कुछ कंपनियों ने अभी तक स्टूडेंट्स को कर चुका है रिक्रूट इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, यानी NIT नागपुर से. तो ये तो थी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसमेंट। नाउ विल टॉक अबाउट द फैसिलिटीज अवेलेबल हेयर इन दिस इंस्टीट्यूशन। तो जो भी फैसिलिटी यहाँ पे बेसिक प्रोवाइड करते हैं वो ये जिम है, हॉस्टल है, मेडिकल है, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स लेबॉर्ट्री, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब्स एंड बेसिक क्लासरूम फैसिलिटीज इज व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग यू फॉर यू नो कमिंग। अगर आप आ रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन में तो ये फैसिलिटीज आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो जहाँ पे हम रिव्यू एंड रेट करेंगे। इस इंस्टीट्यूशन इज कॉलेज टू ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स। नेमिंग द पैरामीटर्स, वी हैव अकेडमिक्स, अकोमोडेशन, फैकल्टी, सोशल लाइफ, प्लेसमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देंगे स्टूडेंट्स में बता दूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट का भी का फीडबैक फॉर्म के थ्रू है। अगर आपको भी वो फॉर्म बना है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं उस फॉर्म के थ्रू। सो अगर हम अकेडमिक से चालू करें, सो वी आर रेटिंग 7 out of 10, टॉकिंग अबाउट अकोमोडेशन वी आर रेटिंग 6.7 out of 10, टॉकिंग अबाउट द फैकल्टीज वी आर रेटिंग 7.2 out of 10। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम यहाँ पे 7 रेट कर रहे हैं यानी 7 out of 10। वहीं अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो इट्स नॉट सो इम्प्रेसिव। अगर आपको प्लेसमेंट या प्लेसमेंट की रियलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाननी है, ज़रूरी नहीं है कि जो इन्हें बताया है वो सच है, सच्चाई जाननी है, इनसाइट जानना है प्लेसमेंट्स का, तो आप उसके लिए हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू और मैसेज करके आप बात कर सकते हैं हमारे काउंसलर से। नाउ प्लेसमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ खास भी नहीं है तो हम इसे रेट कर रहे हैं 6.3 out of 10। सोशल लाइफ अगेन इट डिपेंड्स है आपकी सोशल मतलब आपको कैसे इन्जॉयमेंट मिला। अभी देखिए आज के हिसाब से बात करें तो ठीक ठाक इन्जॉय स्टूडेंट्स ने किया है। सोशल लाइफ वाइज या सोशल लाइफ या वाइब बोल दो ठीक मिली है लोगों को, उसके बेसिस पे हमने से रेट किया है 6.9 out of 10। या दैट्स आई थिंक दैट्स फाइन फॉर इट। सो आज हमने बात करी नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम NIT नागपुर के नाम से जानते हैं। नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट है अगेन कमेंट बॉक्स है, कमेंट में भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So that's a wrap up for this episode. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like this video and share with your friends and do not forget to subscribe our channel. This was Mini Mishra signing off from today's episode.